न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है।
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ये हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ये का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है।